गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल प्रीपेड और साथ में पोस्ट पेड। अगर आप एयरटेल की प्रीपेड सिम यूज कर रहे हैं और अगर आप स्विच करना चाहते हैं एयरटेल पोस्ट पेड पर, तो इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको डिफरेंसेस बताने वाला हूं एंड इसके बाद फायदे एंड नुकसान भी बताऊंगा कि अगर आप स्विच करने वाले हैं प्रीपेड से पोस्ट पेड में तो क्या आपको नुकसान देखने को मिल जाते हैं एंड इसके साथ साथ क्या फायदे आपको देखने को मिल जाते हैं, या फिर एयरटेल पोस्ट पेड से प्रीपेड में स्विच कर रहे हैं तो प्रीपेड के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या आपको फायदे एंड नुकसान देखने को मिल जाते हैं। तो फुल डिटेल से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले तो कंपेयर करने से पहले मैं एक प्लान उठाकर आपको दिखा देता हूं कि कौन सा प्लान आपको सबसे ज्यादा सस्ता देखने को मिल जाता है एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर पोस्टपेड थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिलता है, कॉस्टली देखने को मिलता है, तो उस पर क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो पोस्टपेड का मिनिमम अमाउंट का प्लान आता है पोस्टपेड का, वो आपको 399 रुपीस का देखने को मिल जाता है, जिस पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 40 GB का डेटा देखने को मिल जाता है, साथ में आपको 100 SMS पर डे देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेनिफिट आपको पोस्टपेड के फर्स्ट प्लान पर देखने को मिल जाते हैं एंड इसके साथ साथ हम बात करते हैं प्रीपेड प्लान। एयरटेल के प्रीपेड प्लान का जो आपको प्राइस देखने को मिल जाता है, इसी रेंज का जो प्लान आता है 399 रुपीस का, उस पर आपको देखने को मिल जाता है 3 GB डेली का आपको डेटा देखने को मिल जाता है, अनलिमिटेड कॉलिंग देखने को मिल जाती है, 100 SMS आपको पर डे देखने को मिल जाता है, बट इसकी जो आपको वैलिडिटी देखने को मिलती है वो 28 डेज की आपको देखने को मिल जाती है, और एयरटेल पोस्ट पेड पर आपको 1 month की आपको फुल देखने को मिल जाती है ब्लिंक साइकिल, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट आपको देखने को मिलती है इस केस में आप देखते हैं। अब गाइस, हम बात करते हैं पोस्टपेड प्लान्स में और प्रीपेड प्लान्स में कितना आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पोस्टपेड प्लान्स होते हैं एयरटेल के, उन पर आपको 18% GST भी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। अब GST के साथ में इस प्लान को कैलकुलेट करते हैं तो 399 रुपीज वाला प्लान 470.82 रुपीज का आपको देखने को मिलता है, तो GST इंक्लूड करने के बाद ये प्राइसिंग बढ़ जाती है। बट प्रीपेड प्लान की बात करें तो प्रीपेड प्लान पर किसी भी टाइप की GST अलग से आपको नहीं पे करनी पड़ती, बिकॉज जो GST होती है उस पर ऑलरेडी इंक्लूड होकर आपको प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लान वाइज हम कंपेयर करते हैं तो जो आपको 40 GB का डेटा आपको पोस्टपेड सिम पर देखने को मिला है, अगर हम प्रीपेड सिम का कैलकुलेट करते हैं तो उसका आपको 84 GB का डेटा देखने को मिलेगा 1 month के अंदर, बट पोस्टपेड सिम पर आपको 399 वाले प्लान पर आपको 40 GB का ही डेटा ओनली देखने को मिलने वाला है। तो डेटा के मामले में बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है प्रीपेड सिम, जस्ट डबल का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है प्रीपेड सिम के डेटा में, बिकॉज प्रीपेड सिम पर आपको ज्यादा डेटा देखने को मिल जाता है, तो इस मामले में प्रीपेड सिम आगे निकल जाता है। बाकी अनलिमिटेड कॉल्स देखने को मिलती है प्रीपेड सिम पर भी और पोस्टपेड सिम पर भी बिल्कुल सेम है, और SMS भी आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। OTT बेनिफिट की बात करें तो पोस्टपेड पर आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम वाला देखने को मिल जाता है, तो ये बेनिफिट आपको को मिलता है। तो प्लान बाई कंपेयर करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आगे देखने को मिल जाता है प्रीपेड वाला प्लान, बिकॉज उस पर काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब गाइस, पोस्टपेड जो सिम होता है वो कॉस्टली क्यों है प्रीपेड से, अब ये भी तो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले पोस्टपेड और साथ में प्रीपेड के डिफरेंस की बात करें, सबसे पहले तो पोस्टपेड पर आपको एक्स्ट्रा GST पे करनी पड़ेगी, जो कि प्रीपेड में आपको GST बिल्कुल भी नहीं पे करनी पड़ेगी, बिकॉज जो आपको प्रीपेड के प्लान्स देखने को मिलते हैं उन पर ऑलरेडी आप GST ऐड कर ही कंपनी डालती है, जो कि आपको एक्स्ट्रा GST नहीं पे करनी पड़ेगी। बट पोस्टपेड सिम पर किसी भी टाइप की GST इंक्लूड नहीं होती, ये प्लान्स का ही रेट होता है और 18% GST आपको एक्स्ट्रा अलग से ही पे करनी पड़ती है, तो GST आपको पोस्टपेड सिम पर 18% ज़्यादा देखने को मिल जाती है एज अ कंपेयर प्रीपेड सिम, बिकॉज प्रीपेड सिम पर ऑलरेडी इंक्लूड होकर ही आती है। एंड इसके साथ साथ गाइस, हम बात करते हैं पोस्टपेड कितना अलग है प्रीपेड से। पोस्टपेड सिम पर किसी भी टाइप की आपको लिमिट देखने को मिलती नहीं है, जैसे कि आपको प्रीपेड पर देखने को मिलती है। प्रीपेड में अगर आपको 3 GB का डेटा देखने को मिल रहा है डेली का, अगर 3 GB का डेटा अगर आप यूज कर लेते हैं फिर आपको डेटा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे का। अब वो नेक्स्ट डे वाला डेटा है वो आपको नेक्स्ट डे ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट डे का डाटा आप टुडे यूज कर लेंगे, बिल्कुल नहीं यूज कर पाएंगे, नेक्स्ट डे का डाटा आपको नेक्स्ट डे ही देखने को मिलेगा। अगर आज का डाटा आपने पूरा यूज कर लिया तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं यूज कर पाएंगे, अलग से आपको पैक एक्टिवेट करना पड़ेगा। बट पोस्टपेड की कंडीशन में ये बात अलग हो जाती है, बिकॉज पोस्टपेड पर किसी भी टाइप का आपको लिमिट देखने को मिलता नहीं है, जो आपका डेटा है वो आप कितना भी यूज कर सकते हैं। अगर 40 GB का डेटा आपको देखने को मिला है तो वो आप एक दिन में ही अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती, तो ये पोस्टपेड पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है, किसी भी टाइप की आपको लिमिट देखने को नहीं मिलती। अगर
एक्स्ट्रा भी डेटा अगर 40 GB यूज कर लिया आपने और एक्स्ट्रा भी डेटा अगर आप यूज करना चाहते हैं तो पोस्टपेड पर आपको बिल्कुल भी नहीं रोक लगेगी। आप डेटा यूज करते जाएंगे, जो एक्स्ट्रा डेटा अगर आप यूज करेंगे उसका भी आपको बिल जनरेट हो जाएगा, उसका एक्स्ट्रा में बिल आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आपको MB कॉस्ट देखने को मिल जाती है अगर आप एक्स्ट्रा डेटा यूज करते हैं, जो कि 50 पैसे आपको पर MB कॉस्ट देखने को मिल जाती है एयरटेल पोस्टपेड पर। तो ये आपको एक्स्ट्रा MB अगर यूज करते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके साथ साथ गाइस जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको पोस्टपेड सिम पर देखने को मिल जाता है वो डेटा रोलओवर का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि प्रीपेड सिम पर आपको देखने को नहीं मिलता। डेटा रोलओवर का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको 40 GB का डेटा देखने को मिला है, अगर इस मंथ आप 30 GB ही यूज कर पाए हैं और जो आपका 10 GB का बचा हुआ डेटा है वो आपके नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको आप नेक्स्ट मंथ यूज कर पाएंगे, और जो डेटा रोलओवर का फीचर देखने को मिलता है वो 200 GB तक का आपको देखने को मिल जाता है। बट यही प्रीपेड की बात करें, अगर आपको 3 GB का डेटा रोज देखने को मिला है, डेली देखने को मिला है, अगर उस 3 GB डेटा को यूज करते हैं या फिर नहीं करते तो भी आपका वो डेली का जाना है बर्बादी। बट पोस्टपेड पर ये कंडीशन अलग हो जाती है, आपका जो बचा हुआ डेटा है वो बच जाता है, ना कि बर्बाद जाता है। तो ये डेटा रोलओवर का फीचर आपको पोस्टपेड सिम पर देखने को मिलेगा। एंड गाइस जो पोस्टपेड सिम की सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती है, अगर आप कंपेयर प्रीपेड सिम से कर दें तो कहीं ना कहीं आपको पोस्टपेड सिम की सर्विसेज आपको काफी ज्यादा बेस्ट देखने को मिलेगी। या तो आप कॉलिंग के मामले में देखते हैं या फिर इंटरनेट के मामले में देखते हैं, दोनों ही टाइप्स की सर्विस आपको पोस्टपेड सिम की कुछ ज्यादा ही बेटर देखने को मिल जाएगी एज अ कंपेयर प्रीपेड सिम से। तो ये चीजें भी आपको पोस्टपेड सिम पर देखने को मिल जाती हैं। गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, जो कि आपको देखने को मिल जाता है प्रीपेड से पोस्टपेड सिम पर। जैसे कि आपको बताइए, प्रीपेड सिम अगर आप यूज कर दें उस पर आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आपको इंस्टेंट ही एक्टिवेट करना पड़ता है, एक दिन का भी आपको इधर पर मौका देखने को नहीं मिलता। सिंपल सा रिचार्ज खत्म हुआ उस टाइम में खत्म हो जाता है, फिर एक भी सर्विसेज आप यूज नहीं कर पाते, ना ही कॉल कर पाते हैं, ना ही डेटा यूज कर पाते हैं। पोस्टपेड की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। अगर आपका बिल खत्म भी हो गया है तो भी ये चलता रहेगा और कुछ टाइम बाद आपको रुकने वाला है, जब ज्यादा बिल इकट्ठा हो जाएगा तभी आपकी सर्विसेज बंद होगी, बट जल्दी फल्दी बंद नहीं होगी। तो ये पोस्टपेड की कंडीशन में देखने को मिल जाता है। ऐसे में एक आपको दिक्कत भी देखने को मिल जाती है प्रीपेड में सिम में, ऐसा हो जाता है कभी कभी अगर आपको रिचार्ज 10 से 15 दिन नहीं भी कराना तो आपका काम चल जाता है। बट पोस्टपेड सिम पर आप रिचार्ज कराइए या फिर ना कराइए, आपका बिल जनरेट होता जाएगा और बिलिंग साइकिल में वो बिल आपको पे करना ही पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस पर विदाउट रिचार्ज किए हुए उस सिम को रख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलता, जो कि बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है प्रीपेड सिम पर, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। एंड गाइस जो नेक्स्ट आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड सिम पर, प्रीपेड सिम का आपको रिचार्ज फर्स्ट करना पड़ता है, इसके बाद आप सर्विसेज यूज कर पाते हैं, बट पोस्टपेड सिम का आपको रिचार्ज बाद में करना पड़ता है जब आप सर्विसेज यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है पोस्टपेड सिम पर। आप यूज करते जाएंगे इसके बाद आपका बिल जनरेट होगा जिसको आपको पे करना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट आपको पोस्टपेड सिम पर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट आपको देखने को मिलता है। अब गाइस जो नेक्स्ट चेंजेस आपको प्रीपेड और पोस्टपेड सिम पर देखने को मिल जाते हैं एयरटेल के, जो कि आपको एयरटेल पोस्टपेड पर आपको फैमिली पैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब फैमिली प्लान्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने फैमिली मेंबर की सिम ऐड कर रख सकते हैं और सिर्फ एक रिचार्ज में आप सभी फैमिली मेंबर यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है जो एक्स्ट्रा सिम आप ऐड करेंगे, बाकी आप एक ही प्लान को कर सभी फैमिली आपकी यूज कर पाएगी। तो ये बेनिफिट आपको पोस्टपेड पर देखने को मिलेगा फैमिली प्लान्स का, ये आपको प्रीपेड में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो फैमिली प्लान्स आपको पोस्टपेड पर देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं कि प्रीपेड आपके लिए बेस्ट होगा या फिर पोस्टपेड आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आप प्रीपेड सिम यूज कर दें तो उधर पर आपको मिनिमम प्लान्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको डेटा प्लान नहीं चाहिए तो आपको 155 रुपीज वाला प्लान देखने को मिल जाता है, 179 रुपीज वाला प्लान देखने को मिल जाता है, बट पोस्टपेड पर आपको 399 प्लस GST के अलावा किसी भी टाइप का इससे सस्ता प्लान देखने को मिलता नहीं है। एंड गाइस नेक्स्ट जो एडवांटेज आपको प्रीपेड सिम का देखने को मिलता है, उस पर आपको काफी ज्यादा आपको सस्ते प्लान्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप पोस्टपेड से कंपेयर करते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको पोस्टपेड के प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। गाइस जो नेक्स्ट एडवांटेज आपको प्रीपेड सिम पर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको प्रीपेड पर लिमिट देखने को मिल जाती है। अब उन भाइयों को काफी ज्यादा दिक्कत पड़ने वाली है पोस्टपेड सिम पर, जिनको पता नहीं रहता और आप यूज करते जाते हैं, अगर 40 GB से डेटा ज्यादा यूज कर लेते हैं तो आपका एक्स्ट्रा बिल बनने लगेगा, बट प्रीपेड सिम पर लिमिट लगी रहती है कि 3 GB डेटा अगर आपको डेली का मिला है तो 3 GB के बाद आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिट आपको पोस्टपेड पर देखने को मिलती नहीं है, बिकॉज उस पर कितना भी यूज करें आपका काफी ज्यादा बिल जनरेट हो जाएगा, तब ये लिमिट आपको देखने को उस पर
मिलने वाली है, तो प्रीपेड पर ये एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। अब गाइस पोस्ट पेड के एडवांटेज की बात करें, अगर आपको फैमिली प्लान में एक्टिवेट करनी है काफी ज्यादा फैमिली मेंबर्स की सिम, तो ये बेनिफिट आपको पोस्ट पेड सिम पर देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ साथ अगर आपको डेटा रोल ओवर का फीचर चाहिए, डेटा बर्बाद नहीं करना, तो ये फीचर आपको पोस्ट पेड सिम पर देखने को मिलेगा। सर्विसेज अच्छी चाहिए तो पोस्ट पेड सिम की आपको कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ साथ बिल आपको बाद में पे करना है यूज करने के बाद, तो ये बेनिफिट आपको पोस्ट पेड सिम पर देखने को मिलेगा। अच्छे ओटीटी बेनिफिट चाहिए तो ये भी आपको पोस्ट पेड सिम पर ही देखने को मिलने वाले हैं। तो इतने एडवांटेज आपको पोस्ट पेड सिम के ही देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस हम बात करते हैं कौन सा आपको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको प्रीपेड लेना चाहिए, या फिर अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको लिमिट किसी भी चीज की नहीं चाहिए, तो पोस्ट पेड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बाकी अगर आपको कम खर्चे में सिम चलानी है तो प्रीपेड ही आपके लिए बेस्ट होगी, बिकॉज पोस्ट पेड थोड़ा सा आपको कॉस्टली देखने को मिलती है, बिकॉज उस पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एंड इसके साथ साथ गाइस एक इंटरेस्टिंग बात आपको और भी बताना चाहूंगा, अगर आप अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने सेल्फ यूज के लिए एक बेस्ट VIP मोबाइल नंबर परचेज करना चाहते हैं, तो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है 9083330000, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए एंड अपने मन पसंद का बेस्ट VIP मोबाइल नंबर परचेज कर सकते हैं। या फिर अपने बिजनेस की ब्रांडिंग इंक्रीज करना चाहते हैं, सेल्फ वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, तो VIP नंबर जरूर आपको परचेज करना चाहिए। तो जल्दी जाइए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए एंड बेस्ट से बेस्ट VIP नंबर अपने लिए बुक कराइए। वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स वॉचिंग गाइस।